You are watching Channel Y, Channel Y, a South Asian Canadian channel. बहुत ही गंभीर विषय ते आज तुहाडे नाल मैं कुछ विचार प्रकंदरे करने हैं। पिछले दिन ही जिहड़ा बैबल कलां ते कोटकपूरा गोलीकांड दी जिहड़ी SIT बनाई गई सी कुमर विजय प्रताप जी की अगवाई उहदी रिपोर्ट नूं हाई कोर्ट ने खारिज करता ते नवीं SIT बनाउण दे ऑर्डर देते। असल दे विच हाई कोर्ट दा फैसला घट है, एक कैप्टन ते बादलां दी आपसी गंढ धुप दा फैसला ज़्यादा है, क्योंकि इस केस दे विच पंजाब सरकार वल्लों रीप्रजेंट करन लई जिहड़े वकील सीगे अतुल नंदा जिहड़े कि AG ने साडे, उन्होंने जिहड़े वकील उत्थे भेजे वह जाण बुझ के इन्ना कमज़ोर केस किया उन्होंने कि हाई कोर्ट नूं फैसला देना पिया। लोगों तो पहले ही पता सी, असीं पिंडां जाने जदों तो लोग तो कहिंदे ने कि इन्हां तों की उम्मीद कर सकदे आ जी, तुसीं को इंसीडेंट देखो, संयोग देखो कि प्रकाश सिंह बादल 2016 दे लगभग इन्हां दिनों दे विच ही अपनी सरकार दे जांदे जांदे कैप्टन साहब तो सारे केस उन्होंने वापस ले ले सी, जिहड़े कैप्टन साहब दे केस चलदे सी, ते उहदा ब्याज समेत भुगतान हुण कैप्टन साहब कर रहे ने कि सरकार उन्हां दी भी जा रही है, हुण 2022 सरकार नहीं आ रही। जांदे जांदे वो बादलों के खिलाफ जिहड़े ने वो केस वापस ले रहे हैं। फर्क इन्ना क कैप्टन साहब के खिलाफ जिहड़े केस सी उन्हां दे विच गवाह मुकरे सी, ते बादलों के खिलाफ जिहड़े केस ने इहदे विच वकील मुकरे ने। पंजाब सरकार ने यह केस पुटअप किया ही नहीं चंगी तरह, नहीं इहदे विच कोई दो राय नहीं सी कि कुमर विजय प्रताप जी ने बहुत वधिया तरीके नाल इहदी जिहड़ी जांच कीती सी, ते क्योंकि बादलों के टब्बर का नाम आउंदा सीगा इस करके फिर ये मिली भुगत करके हाई कोर्ट के थ्रू इस केस नूं खारिज कराया गया। और जदों सुरेश कुमार जी का केस आया सी उन्होंने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उन्होंने अहुदे तो लाता सी, तां पंजाब सरकार ने दो दिनों के विच ही हाई कोर्ट के डबल बेंच को अपील पाई कि डबल बेंच इहदी जांच करे, तो बाई एयर जहाज़ राही लोगों के पैसे के खर्चे ते पी चिदंबरम नूं लिआंदा सी बतौर वकील, तो स्टे ले ली सी उस केस ते। मुख्तार अंसारी वाले केस च सुप्रीम कोर्ट के विच सब तो महंगे वकील किए गए जी, कि इत्थे रखना सी, पता नहीं की उन्हां नाल कोई चाहे उन्हां दी आपस दे विच अपनाता है कि इत्थे रखना सी, UP दा एक जिहड़ा क्रिमिनल। तो जदों तां अपने चहेतियां नूं बचाउणा हुंदा उन्हां विरुद्ध केस जिहड़े ने उह स्टे करवाउणी हुंदी है, उदों तां तुसीं बाहरों वकील लैंदे हो जी, पी चिदंबरम जां वड्डे वड्डे जिहड़े महंगे वकील ने इंडिया दे टॉप 5 टॉप 10। तो जदों कोई केस पंजाब सरकार ने हारना हुंदा उदों अतुल नंदा ते उहदी टीम हैगी है जी, एक केस दिखा देण के उन्होंने कोई जित्या होवे पंजाब वास्ते, एक केस कादे वास्ते चिट्टे हाथी बन्ने ने जी, ये करोड़ां लोगों दीआं भावनावां जुड़ियां होईआं इस केस नाल, ते इस केस वास्ते नहीं महंगे वकील कीते जा सकदे सी, पर क्योंकि जे तूं आ गया तू मैनू कुछ ना कहीं, जे मैं आ गया मैं तैनू कुछ नहीं कहिंदा दी फार्मूले ते सरकार चल रही है। आपस दे विच कैप्टन ते बादल रले हुए ने, एदू वड्डा सबूत नहीं हुण हो सकदा। जस्टिस जोरा सिंह की रिपोर्ट बादलों का टब्बर कहिंदा सानू ना मंजूर है जी, जस्टिस रणजीत सिंह की रिपोर्ट बादलों का टब्बर कहिंदा ना मंजूर है जी, SIT का मुखी कुमर विजय प्रताप बादलों का टब्बर कहिंदा जी सानू ना मंजूर है, SIT की रिपोर्ट बादलों का टब्बर कहिंदा ये सानू ना मंजूर है। मैनू ये दसो जी कि बादलों का टब्बर जिहड़ा वो आपदे खिलाफ जांच करवा रहा है या किसी के खिलाफ जांच कर रहा है, कि दोषियों जिन्हों का नाम दोषियों च हो आपकी मर्जी की SIT बनाते होंगे ने,
कि मैनू एक आ दे दो जी अफसर एक आ दे दो ये जांच करनी है मेरी आ नहीं मंजूर आ दे दो मतलब जे पुलिस दे विच कोई केस हो जाते हैं एक तेर कहिंदी है जी मेरे ते झूठा परचा पाया वो इनकुआरी लवा लेंदे ने कि उस जिहड़े परचे दे विच नाम आया जी दा उन्हूं पुछ के लाया जांदा इनकुआरी कमिशन कि किहड़े SSP तो जां किहड़े SP तो जां किहड़े DSP तो करवाउणी है ते बादलां नूं क्यों पुछया जा रहा भी दसो जी तुहाडे विरुद्ध जांच दे विच कौन कौन लैके आईए आ नहीं मैनूं चाहीदा जी आ चाहीदा सो कुमर विजय प्रताप जी जिहड़े कि ईमानदार अफसर ने जदों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सी तुसी सारे उत्थे सी जो CM साहब ने कहा सी कि कुमर विजय प्रताप बिल्कुल सही जानकारी दे रहा है इहदा मतलब इस वक्त कैप्टन साहब की उस जिहड़ी गल नूं झूठ मन्नी है सी जां फिर कुमर विजय प्रताप की गल सही है कि मैं दुधा दुध ते पानी का पानी किया सो यह लोगों के मन च बहुत उदासी आई है और हुण कहिंदे असीं सुप्रीम कोर्ट जावांगे जी सरकार ने कहा सुप्रीम कोर्ट अपील करांगे जबकि सिंगल बेंच का फैसला है इनू इत्थे ही हाई कोर्ट के डबल बेंच के करने लिए अपील की जा सकती है जिवें सुरेश कुमार वाले की सी पर रोंग जुरीडिक्शन जाणगे गलत जुरीडिक्शन जाणगे जाण बुझ के सुप्रीम कोर्ट जाणगे उत्थे 4-5-6 महीने लगनगे 4-5-6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट यही कहूगी कि डबल बेंच को जाओ बस उन्न चिर टाइम लंघ जाना उन्हां दीआं वोटां टपाउणियां ने बस पिछली बार भी कुमर विजय प्रताप नूं हटा के वोटां टपाइयां सी कि तू इहनूं हटाया जाए इलैक्शन कमीशन ने हटा के उन्होंने लाता कितने होर तो वोटा पै गई फिर आ गए वापस हूँ उन्होंने 2022 वाली वोटा टपाने फिर दे ते वो भी बड़ा हुब के सुखबीर बादल करता फिरता प्रेस कॉन्फ्रेंसा कि देखो जी साढ़े तो सारे दाग धुल गए मैं गल कहनी चाहना ये लोगों के बिहाफ से कहना चाहना पंजाब के लोगों के दिलों की जी गल मैं कहनी चाहना कि इन्ना कचहरियों चो तो बरी हो जाओगे महंगे वकील करके गवाह मकरा के कैप्टन साहब थोड़े नाल यारी निभा देंगे इन्हां कचहरियों तो बरी हो जाओगे पर जिहड़ी लोगों की कचहरी लगेगी तो जिहड़ी परमात्मा की कचहरी उत्थे तुहानूं वकील नहीं लभणे क्योंकि उत्थे अमलां दे हुंदे ने नबेड़े किसी ने तेरी जात पुछनी जिस अकाली दल की तकड़ी नूं बाबे नानक की तकड़ी समझ के लोग वोटां पाउंदे रहे उस बाबे नानक की बाणी नूं गलियां च रोलण वालियां दा हशर लोग भी करनगे परमात्मा भी करूगा क्योंकि जदों परमात्मा की सोटी चलती है उदों खड़का नहीं हुंदा ना किसो नु मारदा ना लत मारदा रब जदों मारदा मत मारदा सो इन्होंने जो पाप किया उसकी सज़ा तो मिलेगी मिलेगी पर नाल जिहड़ा कैप्टन साहब ने डबल पाप किया सज़ा उसकी भी मिलेगी कैप्टन साहब ने गुटका साहब की सहु खाधी सी कि मैं इन्होंने दोषियों नू सरकार बन तो पहले हफ्ते जी बादल के जेल च होणगे इहदा मतलब हुण उह बादलकियां नू बचा रहे ने इहदा मतलब गुटका साहब की भी बेअदबी हो रही है तो बेअदबी कांड चो जिहड़े चो बचा रहे ने उहदी भी डबल गुरु साहब की फिर बेअदबी हो रही है सो किसे कमीशन की रिपोर्ट नहीं मंजूर किसी SIT की रिपोर्ट नहीं मंजूर जदों देखो जांच 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 कहदी जांच सारे बच्चे बच्चों का पता कि बेअदबी के किहदा हाथ सीगा ते जिहड़ी गोली सी उह किन्हां दे ऑर्डर ते चलाई गई सी ते हुण फिर जांचां कहदीआं सो इत्थों सिद्ध हुंदा है ये दोनों आपस च रले हुए ने पर लोग जिहड़े ने समझदार ने लोग जिहड़े ने उन्हां नूं सारा पता है कि यह नूरा कुश्ती आपस दे विच खेड रहे ने सो जे पंजाब सरकार ने सच्चे दिलों अपील करनी है तो वधिया वकील लैके हाई कोर्ट के डबल बेंच कोल जाण ना कि इधर उधर जाके उन्हूं ठंडे बस्ते च पाउण दी कोशिश कर ये साडी मंग है कोई सवाल तुहाडा होवे तां जी साहब नाल उन्होंने कुंवर विजय प्रताप साहब ने कहा सीगा कि आखिरी एक उन्हों का चलान रहिंदा उस तो बाद वड्डे नाम भी सामने आउणगे तां लगदा कि वो वड्डे नाम नूं हुण सिद्धे तौर ते बचाउण दी कोशिश कुंवर विजय प्रताप ने तो इत्थों तक कहा कि मैनूं जानों मारन दीआं धमकियां आ रही ने एक IG नूं कौन धमकी दे रहा है होम मिनिस्टर कौन है होम मिनिस्टर कैप्टन साहब है वो जांच क्यों नहीं करवाते होम मिनिस्टर का फर्ज बनता है कि आपदियां जिहड़ियां फोर्सेज ने उन्हां दी रक्षा करे तो एक IG नूं जानों मार दीआं धमकियां आ रही ने कि रिपोर्ट बदल लै तो IG कह रहा मैं परमात्मा ने मैं बचाया होया मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का आशीर्वाद है कि मैं उत्थों धरती तो जमया होया पटने की धरती तो मैं झूठ नहीं बोलना तो मैं दुध दुध पानी का पानी करूँगा पहले दिन ही अक्यूज्ड जिन्होंने अक्यूज्ड लिखा सुखबीर बादल होरी जिहड़े सुखबीर बादल होरी कौन होंदे ने कि SIT का जिहड़ा प्रधान बदल दो जी इहदा मुखी बदल दो जी आ ला दो जी वह ला दो जी सो इस करके कुमर विजय प्रताप होरां ते सानूं कोई शक नहीं वह तो कहिंदे ने कि जिहड़े मेरे कोल इन्ने सबूत हैगे ने कि जिहदे नाल सारे फसदे ने पुलिस अफसर भी गोली चलाउण वाले ते नाल उहनां नूं ऑर्डर देण वाले इस बारे
मामले दे विच सब तो बड़ी गल है कि हरियाणा सरकार ने कोई परमिशन नहीं दी क्योंकि डेरा मुखी दी साफ तौर पर सिद्ध तौर पर नाम विच शामिल आ रहा है। गुटका साहब दी सौहां खादियां कि जांच करावांगे, तसली नाल जांच करावांगे, निरपक्ष जांच करावांगे, जदों ओही नहीं साथ दे रहे फिर आपां किसे बगाने तों की उम्मीद कर सकते हैं। सो इह शरेआम इह जिहड़ी कांग्रेस सरकार ने कैप्टन सरकार दा जिहड़ा करजा चढ़िया सी ब्याज समेत मोड़िया कि तुसीं साडे तों केस वापस लए सी, असीं तुहाडे तों केस वापस लए। फैसला तो ऐसे ही आ जाना चाहिए जो वकील चज दे होंगे। मैं तो कहना कि अतुल नंदा जी एक दस दिन भी आ केस अपना पंजाब सरकार वास्ते जित के दिता है, जिहड़ा केस हारना होंगे वह अतुल नंदा दे देंगे। हारन रखते रखे ढा थी प्राइवेट स्कूलों फीसा वाला होर किन्ने केस ने जिहड़े पुट्टा भी नहीं किए वधिया तरीके, कई जगह तो गए ही नहीं। सुमेध सैनी वाले केस गए ही नहीं, पेश ही नहीं होया कोई, मिल लै लो जी अपन मन मर्जी जमानत। इस केस के भी जज बहस वास्ते कहें रहे, वो कहते ना ना जी एस आई टी खारज कर दो, पंजाब सरकार कह रही है कि खारज कर दो जी, रिपोर्ट खारज कर दो बाद बना लेंगे। हूँ ये भी एक मैं समझ नहीं आता कि एक किस तरह उन्होंने मंजूर करवा लिया कि हाईकोर्ट ये कह सकते हैं कि नवी एस आई टी बना दो, पर यह थोड़ी कह सकती है कि आह बंदा पर्टिकुलर होना नहीं चाहिए उस, फिर आप ही बना दें हाई कोर्ट वाले एस आई टी कि आह एस आई टी होगी। सो मतलब पहलों वाली चिट्ठिया हजे उन्होंने जड़िया सीलां लगिया पे नहीं खुल रही, ड्रग केस वाली एस आई टी वाली हरजीत अपना जोड़े मुखी से एस अपना एस टी एफ दे किधर गए, वो कितने ने कौन मुखी आना अच्कल, वो तो अमरीका पढ़ाई कर रहे हैं जाके, सिद्धू साहब हरप्रीत सिद्धू वो कितने ने, फिर एस टी एफ का हूँ मुखी कौन है, फिर जिन्हें लक तोड़िया नशे का, यह सब रले हुए ने जी आपस उ माफिया ने, सिर्फ वो ट्रांसफर होया बस ये भी बसा की फ्लीट बादलों की बधी है, ठीक है जी, रेते का कम सेम चल रहा है, केबल माफिया सेम चल रहा है, कुछ नहीं बदलिया, सिर्फ पगों के रंग बदले सी। कैप्टन साहब तो मेरे ख्याल साढ़े चार साल हो गए, साढ़े चार साल चार या पांच बार भी पंजाब नहीं गए हो, मैं गिना सकता जो पंजाब गए सी, एक बार जो मानसा गए सी करजा माफ़ी का उद्घाटन करन, एक बार जो इत माझे दे जहरीली शराब ना लोग मर गए सी उत्थे गए सी, तो एक बार अपने माता जी के भोग से गए सी, मैनू इदू गाह कोई गेड़ा गिना दो पंजाब का, फिर दसो जी हाँ हिमाचल, हिमाचल के मैं पंजाह गेड़े गिना सकता कदों कदों गए सी, बल्कि हिमाचल तो कदों कदों आए सी चेक करना चाहिए, वो थोड़े घट बार होगा, ठीक है ना, धन्यवाद। हाँ नहीं मैं कोई जुडिशल सिस्टम तो नहीं कहता, पर जो सरकार ही नहीं पेश कर रही वकील, जो मेरे वालों कोई वकील ही नहीं पेश होगा फिर मैं किमें केस जितने की उम्मीद कर सकता। सो सरकार जान बुझ के करती है कि ताकि जी रिपोर्ट जी जो फैसला है वह दूजे पक्ष का। यू आर वॉचिंग चैनल वाई, चैनल वाई, अ साउथ एशियन कनेडियन चैनल।